तो हेलो जी, क्या हाल चाल। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है यहाँ गांव से ही, ठीक है। और बारिश ना आजकल बहुत, मतलब ऐसी लग रही है, थोड़ा देर रुक रही है 5-10 मिनट और फिर उसके बाद तुरंत लग रही है, ठीक है। तो अभी रुकी हुई है थोड़ा, तो अभी जा रहा हूँ मैं नीचे जरा, कहाँ हमारी बची हुई है, दो खेत होते हैं ना, वहाँ की रोपण बची हुई है, तो वहाँ के लिए बैल वगैरह के बोलने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। और अभी यहाँ पे ये तो घर है नहीं, ये इनका डॉगी है, ठीक है। ये ना लकड़ियाँ लुकड़ियाँ सब चीज़ खा लेता है, ठीक है, और 2-3 दिन में आता है घर अगर कहीं छूट के निकल गया। और अभी जा रहा हूँ मैं नीचे बैलों को बोलने के लिए, ठीक है, क्योंकि पहले बोलना पड़ता है ना, इस वजह से जरा कहीं दूसरी जगह ना हो। दूसरी जगह तो खैर क्या होंगे, अब तो सेरा में भी पूरी रोपण लग चुकी है, पर सेरा नीचे है गांव के नीचे, दिखाऊंगा मैं आपको अभी नीचे गांव के बीच में ही, और बीच में जा रहा हूँ मैं गांव के, ठीक है। और यहाँ ऊपर की साइड भी कुछ कुछ बचे हुए हैं, इस साइड है कुछ रोपण मतलब, और कुछ आगे की साइड, ठीक है। और अभी भैंस की टांग ये देखिए जरा, यहाँ झाड़ी इतनी भयंकर हो रखी है ना कि मतलब यहाँ से जाना मुश्किल हो रहा है। और स्कूल आस्कूल के बच्चे भी तो यहाँ से जब घर आते हैं तो पूरे भीग के आते हैं मतलब, ठीक है। ये देखिए झाड़ी, मतलब रास्ते के इधर उधर चलने के लिए छोटी सी जगह है, रास्ता भी बहुत उससे दिख रहा है। और ये जो रोड है ना, ये यहाँ तक आ रखी है, ठीक है, मतलब ये लास्ट यहीं तक है, यहाँ से ऊपर जाना पड़ता है थोड़ा हमें, और मटेरियल वगैरह जो भी आता है यहीं तक आता आ जाता है, और फिर ये यहीं आगे तक है, इसके बाद एंडिंग पॉइंट है वहाँ पे। और गाइस अभी बता देता हूँ, मैं जा रहा हूँ आराम आराम से चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पैर में ना ठंड के कारण हो रहा है बहुत ज़्यादा दर्द, तो इस वजह से दवाई दवाई लगा रखी है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि परसों बारिश में भी मैं एकदम बाहर में नहा गया था। और डेली सुबह और शाम, क्योंकि गर्म इतना हो रहा है ना मुझे कि क्या बताऊँ, हल्के के दाने दूने देखिए जरा मुंह पे, फेस पे आ रहे होंगे बाहर, पिंपल के निकल जाते हैं ना, गर्मी स्किन के थ्रू ही निकलती है बाहर। अभी यहाँ से चलना पड़ रहा है छतरा टेक टेक के, क्योंकि यहाँ ये देख रहे हो आप, ये हरा हरा, ठीक है, इसमें फिसलते बहुत भयंकर है, अरे एक बार फिसल गए तो फिर दांत दूध के टूटने के डर भी है। और गाइस अभी सकल सुकल फेस पे मत जाना, क्योंकि बाल जो हैं घर में चंपू की तरह ही रहते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हो गया ना, 1 तारीख को लास्ट पेपर था, तो उस दिन शाम को ही आ गया था मैं घर, तो मतलब इतने बढ़ जाते हैं ना बाल, बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं, ठीक है, और फिर इतने दिनों से मैंने कटाई भी नहीं, तो इस वजह से ज़रा चंपू लग रहा हूँ मैं थोड़ा। और दूसरी बात, मैं सिर में पिंगी लगाता नहीं, ठीक है, हाथ से कर लें थोड़ा सेट और बस बात ख़त्म। और अभी मैं पहुँच गया हूँ गांव के बीच में, ये गांव के बीच की मतलब यहाँ पे पानी है, कुआं बोलते हैं ना यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे पानी भी है, तो मेन सेंटर में पहुँच गया हूँ मैं। और गाइस बस अब जा रहा हूँ मैं जिनके यहाँ से मैंने बैल मांगने हैं उनके यहाँ, ठीक है, ये रहा उनका घर, तो देखते हैं, यहाँ तो कुत्ता भी रहता है एक, वहाँ आगे जा रखा है शायद, तो पता करता हूँ अभी। तो गाइस अभी फिलहाल बोल के आ गया हूँ मैं बैलों को, मतलब बैलों के लिए, बैलों को नहीं, बैलों बैल वालों के लिए, ठीक है। और देखिए अभी मैं 5 मिनट पहले बात कर रहा था सुखी की, और अभी बारिश लग गई, ठीक है, मैंने छाता ओढ़ रखा है, मैं मजाक नहीं कर रहा मैं, ये देखो आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको, ये वाली। तो अभी चलता हूँ, और अभी तो बहुत ज़्यादा गीला हो गया इनमें, हमारे गांव का पंचायती घर जहाँ मतलब बर्तन वगैरह रहते हैं रखे हुए, आज मौका मिल ही गया आपको दिखाने का। और यहाँ पे वाईफाई का कनेक्शन भी था यहाँ पीछे की साइड, ये दिख रहा होगा आपको हल्का हल्का, अब खुलता है कि नहीं खुलता है इसका तो पता नहीं, लेकिन है जरूर।
गाइस ये देखिए, बाहर चल रही है बारिश, ठीक है, और यहाँ चल रही है स्वादी पकौड़ी और ये घी की लचांग थोड़ा इसके ऊपर, ठीक है। अभी आ गया था मैं थोड़ी देर पहले घर, तो अभी इन्हें खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं आपको नीचे। और गाइस अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो स्वादी है ये किसकी पता है, छेमी की दाल होती है ना, जो छेमी की दाल मोटी वाली दाल, तो उसको पीस के बनाई हुई है, ठीक है। और ये घी से मैं नीचे गिर रहा है, तो पहले से खाते हैं और तब मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। ये जो लकड़ियों से गोला घेरा बनाया हुआ है, ठीक है, सर्कल टाइप का, इसके अंदर क्या होगी पता है, नहीं स्ट्रॉबेरी लगा रखी है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या स्ट्रॉबेरी लगा रखी है हमने यहाँ पे, ठीक है। और ये एक है नारंगी का पेड़, ये बीच में है बादाम का पेड़, सही में बादाम का ही पेड़ है, और इसके आगे ये वाला है, इसमें मीठी नारंगियाँ होती हैं, मीठी मतलब एक छोटी टाइप के होता है ना संतरा टाइप का, वैसे वाली नारंगी। और ये आम का पेड़ इस समय काट रखा है हमने, ये पिंडालू वगैरह, यहाँ भी पिंडालू वगैरह। देखो सब्जियाँ वगैरह तो हम लगभग लगभग ठीक ठाक ही बो देते हैं, यहाँ देखिए नीचे, यहाँ नीचे तक लगे हुए हैं पिंडालू, यहाँ नीचे तक, ठीक है। ये चूहे का होल किया हुआ है, ठीक है। बिल्लियाँ भी हैं हमारे पास दो, लेकिन वो छोटी छोटी हैं, पे ये वाली बिजवार निकालनी है हमने, और यहाँ पे लगेगी अभी रोपण, अभी मतलब पहले ही निकल जाएगी, उसके बाद एक और ये आगे वाला दो, ठीक है। और बारिश लगी हुई है, ठीक है, इससे बोलते हैं चुआंट, इससे मतलब जैसे हम छाता ओढ़ते हैं वैसी यही होती है। और अभी तो बहुत टाइम लगेगी इतना निकालते निकालते। तो गाइस अभी ला गया हूँ मैं बैठने के लिए चौकली, और अभी मैं भी निकालता हूँ थोड़ा। देखा आपने कहीं ऐसा कि मतलब चौकली में बैठ के भिजवा निकालते हुए, क्या बोला, ठीक है, धान धून जो भी है तक हम इसे ले जाते हैं थोड़ा आगे तक, ठीक है, पानी के लिए भी जाना है थोड़ा, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद इसे निकाल के। A few moments later. तो गाइस गाइस अभी मैं सो के उठ रहा हूँ, जस्ट आधा एक घंटा सो गया था मैं, ठीक है, थोड़ा होता ही है तब थोड़ा उसके चक्कर में। और यहाँ देखिए जरा, अभी तक पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, और अभी पता चला कि ये अभी टूट रखा था कहीं कहीं पुस्ता वगैरह नीचे गिरा होगा, तभी इतना भयंकर मटमैला पानी आ रहा है, ठीक है। अभी जा रखे थे शाम वो आखरी याद है आज भी। गाइस अभी फ्लैट जा रही है, यहाँ पे चाय पानी और ये सोनिया, ठीक है, इनके साथ चलो चलते हैं, ठीक है। तो गाइस फिलहाल यहाँ देखिए जरा लग चुकी है बारिश, और बारिश में भी निकाल रहे हैं हम, ठीक है, ये चोंट वगैरह और छतरी छतरी में, तो छतरी में वो एक हाथ मेरा मिट्टी से हो रखा है, नहीं तो मैं दिखाता आपको, ये देखिए। अरे सामने है ना जो, यहाँ आगे सामने रोड के नीचे यहाँ लगा रहे हैं रोपण। गाइस अभी बारिश इतनी भयंकर लगी हुई है ना कि मैं घर निकल रहा हूँ सीधे अभी, ठीक है, और फोन फान रख के आता हूँ। तो फिलहाल गाइस अभी पड़ चुकी है काफी रात, ठीक है, देख रहे हो, और ये जो है अभी थोड़ा बज गई है, इसे कल सुबह निकालेंगे, और अभी ऐसा लगानी पड़ती है देखो निकालने के बाद ना पानी में, जो उसकी जड़ होती है उसमें जो मिट्टी रहती है उसे ढंग से निकालना होता है, और फिर ऐसे छोड़ देते हैं, और कल सुबह फिर ही तब डालेंगे इसे जब रोपण रोपण लग जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद आगे तो हम और शीशे पे, नहीं मैं शीशे बोल रहा हूँ, चश्मे पे देखो ये छींटे वगैरह पड़ चुके हैं, ठीक है। तो आगे का जो पार्ट होगा वो कल आएगा शाम को 3 बजे, ठीक है, 3 बजे ही डालता हूँ मैं वीडियो। और ये अभी इतने इसको इतना ही कंटिन्यू रखते हैं, आगे की सीरीज कल दिखाई जाएगी, ओके। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको दूसरे नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।